हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडिंग। हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 25th पार्ट में स्वागत है। ऑल द वीडियोस अपलोडेड इन द सिंशिया ब्रेंडिंग चैनल, चाहे वो आपका हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड एपिसोड्स हैं, आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज है, जनरल एग्रीकल्चर वीडियोज हैं, राइट, पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एमसीक्यू सीरीज है, तो ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो भी सिंशिया ब्रेंडिंग में अवेलेबल हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसके साथ साथ जो हम बीच में ब्रीफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, और साथ में जो हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर और इसके साथ साथ जो हम कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं जो जनरल करंट अफेयर भी, तो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IHR कहाँ पे, ये बेंगलोर में है। इट वॉज फाउंडेड इन, तो ये कब फाउंड की गई थी, इसका राइट आंसर है आपका भी 1967 में। तो IHR जो है डेट वॉज फाउंडेड इन 1967 में। उडुपी मटुगुला दिस इज ए GI टैग्ड वराइटी है किस क्रॉप का, तो उडुपी मटुगुला जो है एक GI टैग्ड वराइटी है किसकी, तो दिस इज द वराइटी ऑफ ब्रिंजल की वराइटी है, राइट। नेक्स्ट इज अर्का हनी इज ए डैश फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी विथ डबल कलर्ड फ्लावर, तो अर्का हनी जो है वो किसकी वैरायटी है जो कि फोटो इनसेंसिटिव है और उसमें डबल कलर के फ्लावर होते हैं। इसका राइट आंसर है आपका सी फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो अर्का हनी जो एक फ्रेंच मैरीगोल्ड फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है विथ डबल कलर्ड फ्लावर। नेक्स्ट इज अर्का ईशा इज ए कोरिएंडर वैरायटी डेवलप्ड थ्रू डैश मेथड फ्रॉम एन एक्सोटिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम जापान, तो अर्का ईशा जो है वो एक कोरिएंडर की वैरायटी है अर्का ईशा। तो ये कौन से ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है फ्रॉम एन एक्सोटिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम जापान, इसका राइट आंसर है आपका सी मास सिलेक्शन। अर्का ईशा जो है कोरिएंडर की वैरायटी है, मास सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। नेक्स्ट इज अर्ली कॉलीफ्लावर वैरायटी डेवलप्ड बाय द मास पेडिग्री मेथड ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम IHRS, इनमें से कौन सी जो है वो अर्ली कॉलीफ्लावर की वैरायटी है और डेवलप की गई है मास पेडिग्री मेथड से, ठीक है, फ्रॉम IHR बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी बोथ ए एंड बी, अर्का स्फूर्ति एंड अर्का बिमल दोनों जो अर्की अर्ली कॉलीफ्लावर की वैरायटीज है मास पेडिग्री मेथड से डेवलप की गई है। अर्का नीलाचल अक्षय इज ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, तो जो आपकी अर्का नीलाचल अक्षय है ये हाई यील्डिंग वैरायटी है किसकी, तो इसका राइट आंसर है आपका भी रोज एप्पल की, रोज एप्पल जो कि CGM जीनस को बिलोंग करता है, राइट। तो अर्का नीलाचल अक्षय जो वो रोज एप्पल की वैरायटी है। नेक्स्ट इज रोज एप्पल इज कॉमनली नोन एज, रोज एप्पल जो है दैट इज आल्सो नोन एज जम्बू प्लम रोज मेले एप्पल या मालावर प्लम या ऑल ऑफ अब, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी ऑल ऑफ अब। तो रोज एप्पल को हम जम्बू भी कहते हैं, प्लम रोज भी कहते हैं, मेले एप्पल भी कहते हैं, मालावर प्लम भी कहते हैं। द एप्पल फ्रूट मॉथ और एप्पल फ्रूट माइनर जो कि कॉमन पेस्ट है एप्पल का इन एशिया में, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में, राइट। सो दिस इज आल्सो फाउंड इन द ड्राई टेम्परेट जोन ऑफ विच इंडियन स्टेट, इसका राइट आंसर है आपका ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज ड्राइड ब्लैक पेपर कॉमनली नोन एज, जो आपकी ड्राइड ब्लैक पेपर होती है उसको हम दैट इज आल्सो नोन एज योर ब्लैक गोल्ड, उसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। डले खुरसनी इज ए लोकल कल्टीवार डैश इन सिक्किम, तो आपका डेले खुरसनी जो है एक लोकल कल्टीवार है किस क्रॉप का, इन सिक्किम में मेनली ग्रो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये चिल्ली का कैप्सिकम एनम। नेक्स्ट इज लोंगन जो कि बोटेनिकली होता है आपका डेमोकार्पस लोंगन, दिस इज आल्सो नोन एज द ड्रैगन आई, इट हैज 2n2x2, लोंगन जो होता है जिसको हम ड्रैगन आई भी बोलते हैं। तो इस फ्रूट में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें आपके 2n2x2 राइट आंसर इज बी 30 होते हैं। चैक्रोमैनिस विच इज बोटेनिकली सोरोपस एंड्रोगाइनस, राइट, इज एन अंडर यूटिलाइज डैश लीफी वेजिटेबल, तो जो आपका चैक्रोमैनिस है जिसको मल्टीविटामिन ग्रीन भी बोलते हैं, तो एक अंडर यूटिलाइज लीफी वेजिटेबल है। तो मोनोशिस एनुअल है, मोनोशिस पेरिनियल, डायोशिस एनुअल पेरिनियल, तो राइट आंसर इज योर बी मोनोशियस पेरिनियल लीफी वेजिटेबल है, ये मोनोशियस है और पेरिनियल है। नेक्स्ट इज चैक्रोमैनिस सोरोपस एंड्रोगाइनस एंड्रोगाइनस, राइट, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, तो चैक्रोमैनिस जो है वो आपका यूफोरबियसी फैमिली को बिलोंग करता है।
द मल्टी मिनरल पैक्ड लीफी वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल है जिसको मल्टी मिनरल पैक्ड लीफी वेजिटेबल भी कहते हैं? तो डेट इज ऑल्सो योर चैक्रोमाइसिस। मल्टी वाइटामिन ग्रीन भी बोलते हैं या मल्टी मिनरल पैक्ड लीफी वेजिटेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अर्कायोजित इज डैश अनियन वरायटी डेवलप्ड बाय फॉर डिहाइड्रेशन। अर्कायोजित जो अनियन की वरायटी है जो कि डिहाइड्रेशन के लिए डेवलप की गई है, तो डिहाइड्रेशन पर्पज के लिए डेवलप की गई। तो किस कलर की है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, व्हाइट कलर की है। तो व्हाइट अनियन जो दैट इज गुड फॉर योर डिहाइड्रेशन। थर हरिपर्णा इज ए वरायटी ऑफ डैश फॉर एवाइटिक स्ट्रेस्ड हॉट एरिड क्लाइमेट। तो जो आपकी थर हरिपर्णा जो है That is, हम कह सकते हैं एवाइटिक स्ट्रेस के लिए टोरेंट वैरायटी है। एवाइटिक स्ट्रेस मीन्स मेनली हम कह सकते हैं हॉट एरिड क्लाइमेट के लिए सूटेबल वैरायटी है। किस क्रॉप की? तो थर हरिपमा जो है, राइट। सो दिस इज द वैरायटी ऑफ योर पालक की वैरायटी है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज पुसा लॉन्ग ग्रीन इज ए न्यू वैरायटी ऑफ पुसा लॉन्ग ग्रीन जो एक रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटी है। किसकी? इसका राइट आंसर है आपका भी क्यूकम्बर की। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रूट फ्लाई नॉन टू अटैक मैंगोज आर। तो मेन स्पीसीज कौन सी है फ्रूट फ्लाई की जो कि मैंगो में अटैक करती हैं? बैक्टोसेरा, बैक्टोसेरा डोर्सेलिस, बैक्टोसेरा जोनेटा, बैक्टोसेरा कोरेक्टा, ऑल ऑफ। तो ये सभी जो है मैंगो पे अटैक करती है। तो राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ अबव। बैक्टोसेरा डोर्सेलिस हो चाहे जोनेटा हो या कोरेक्टा हो। नेक्स्ट इज विच वेजिटेबल इज नोन एज वन स्टॉप सुपर मार्केट। कौन सी वेजिटेबल जिसको हम वन स्टॉप सुपर मार्केट भी कहते हैं? तो डेट इज योर बिंग बीन, जिसमें कि हम ये सभी प्लांट पार्ट्स जो है कंज्यूम करते हैं राइट फ्रॉम रूट्स टू सीड। इन कंट्रीज फर्स्ट यानी कि इंडिया की पहली स्पोरलेस म्यूटेंट ऑफ प्लूरोटस, प्लूरोटस फ्लोरिडा, राइट, दैट वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू डैश रेडिएशन म्यूटेशन। तो इंडिया का जो पहला स्पोरलेस म्यूटेंट था प्लूरोटस फ्लोरिडा का, वो डेवलप किया गया था कौन सी रेडिएशन से? द राइट आंसर इज योर ए, यूवी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस, एक यूवी रेस म्यूटेशन से, जो का भारत का पहला स्पोरलेस म्यूटेंट था प्लूरोटस में वो डेवलप किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड बाय सिंशिया ब्रांडी। जय हिंद।